संत है, इनको अनंत जन्मों की कृपा मिली तब जाके वृंदावन में इनको इनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो राधा रानी आज भी यहाँ पधारती हैं, अभी भी चरण बने हुए इस रज में। ब्रज की मिट्टी नहीं होती, ब्रज रज होती है। तो ब्रज के रज में आज भी राधा रानी के चरण बने हैं। भक्तों को उनकी मुरली भी सुनाई देती है, ठाकुर जी की राधा रानी की पायल भी सुनाई देती है, लेकिन किनको सुनाई देती है? जिनका पीएचडी भक्ति गुरु है ना, पीएचडी हुआ था रूप गोस्वामी सनात गोस्वामी का, स्वयं राधा रानी लेके आए थे उनके लिए खीर बना के लाए थे, खेर कदम में, ठीक है ना। यहाँ भी भक्तों को दर्शन होता है। तो ये जो ब्रजभूमि है ये कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ब्रजभूमि कोई कोई घूमने की जगह नहीं है, ब्रजभूमि तो साक्षात कृष्ण ही ब्रजभूमि है। कृष्ण में और ब्रज में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई ये समझे कि हमें कृष्ण से मिलना है, हमें ब्रज में खोजना है, तो कृष्ण तो सब जगह, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कृष्ण नहीं है? केवल हमारे समझने का फर्क है। क्योंकि जिस समय गोलोक धाम में राधा रानी थी, आप सब लोग कृष्ण की गोदी में बैठे, कृष्ण की गोद में बैठे हैं आप, केवल दिख नहीं रहे, केवल महसूस हो रहा है। क्योंकि जिस समय गोलोक धाम में राधा रानी थी तो ठाकुर जी ने उनको कहा था कि राधा रानी आप चलो भूमि पर चलो, तो राधा रानी ने मना कर दिया, तो नहीं जाना चाहती आप। तो राधा रानी बोली, यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र नो रमते मनसि। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना जी नहीं है, जहाँ गिरिराज जी नहीं है, वहां तो मेरा मन लग ही नहीं सकता है। तो ठाकुर जी ने कहा बस इतना सा बात है। बोले हाँ, यदि भूमि पर गिरिराज जी चले जाएंगे, यमुना जी चली जाएंगी और श्री वृंदा देवी चली जाएंगी, तो मैं तो शहर से चली जाऊंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ठाकुर जी ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए इस ब्रज को अपने हार्ट से, ये कृष्ण का हृदय ही वृंदावन। और कृष्ण ने कहा भी है कि पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदय मम, कृष्ण कह रहे ब्रह्म में कि पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदय मम, पांच योजन का जो वृंदावन धाम है वो मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है। अब पांच योजन क्या हो गया, एक योजन में चार कोस होता है, तो पांच योजन में 20 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 20 कोस में 20 में 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का टोटल एरिया एक पूरा वृंदावन धाम ले रहा है, जो कि भगवान कृष्ण का हृदय।